गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, हमारा चैप्टर नंबर 1 मीट माय फैमिली। इसके अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ फैमिलीज, यानी कि फैमिली कितने टाइप की होती हैं। तो जिसमें कि हमने पढ़ा था कितने टाइप की होती है, न्यूक्लियर होती है और ज्वाइंट होती है। जिसमें आपको बताया गया था न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होते हैं, पेरेंट्स और उनके टू चिल्ड्रन, यानी कि स्मॉल फैमिली की बात करते हैं। और जॉइंट फैमिली क्या होगी, आपकी लार्ज फैमिली होगी जिसमें पेरेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कजन्स होंगे, सब एक साथ रहते हैं। पहला टॉपिक था आपका ये। नेक्स्ट टॉपिक था आपका फैमिली रिलेशंस, यानी कि हमारे जो फैमिली में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, संबंध क्या क्या होते हैं। तो हम जो फैमिली रिलेशन है उनको डिफ्रेंशिएट दो बेसिस पर कर सकते हैं, एक पैटर्नल और दूसरा मैटर्नल। बिकॉज आपके अगर बात करें, आप इंग्लिश में हम बोलते हैं जो ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर अब हम कैसे पता करेंगे कि वो हम दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं या नाना जी के बारे में। तो अगर हम बात कर रहे हैं दादाजी के बारे में, इट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैटर्नल। तो पैटर्नल में आपका क्या आता है, आपकी फादर साइड, यानी कि आपके जो फादर के जितने भी रिलेशन है वो किस में जाएंगे, पैटर्नल में। चाहे आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर बोलेंगे तो वो कौन से होंगे, पैटर्नल। अब जो मैटर्नल की बात करें तो मैटर्नल इट मीन्स योर मदर साइड। तो मदर साइड में क्या, आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हुए नानी नाना, उनको भी हम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहेंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। तो ये डिफरेंशिएट किया था हमने प्रीवियस क्लास में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी फीचर्स। इस टॉपिक को अब हम रीड आउट करेंगे बुक से। सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। सो आवर टॉपिक इज हेरिडिटरी फीचर्स, यानी कि अनुवांशिक विशेषताएं। Now I am starting reading. My brother has black eyes like my mother. My eyes are not black, they are blue like my father. तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो भाई है उसकी आइज कैसी हैं, बिल्कुल मेरी मदर की तरह हैं, मेरी मम्मी की तरह है। मेरे भाई की आंखें बिल्कुल ब्लैक, और माय आइज, और मेरी आंखें ब्लैक नहीं है, मेरी आंखें कैसी हैं, ब्लू है मेरे फादर की तरह। These similarities in the eye color and other features. तो ये जो समानताएँ आपको देखने को मिलते हैं आई कलर या फिर और सारे फीचर्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फीचर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटरी फीचर्स। तो अब पता चला हेरिडिटरी फीचर्स यानी कि जो आपको ऐसी विशेषताएँ जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली हों, जैसे कि आपकी आंखों का कलर, आपके हेयर्स का कलर, आपकी बॉडी टाइप, ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटरी फीचर्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर मैनी फिजिकल सिमिलरिटीज, दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फिजिकल सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे आपके अगर मदर का फेयर कलर है तो मे बी हो सकता है आपका फेयर हो सकता है कलर, या फिर आपका अगर फादर का है डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपके हेयर कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं, आपके आइज का कलर अभी हमने पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहाँ से जाती है, आपके पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, यानी कि अपने माता पिता से बच्चों में जाती है, या फिर उसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें जा सकती है। Sometimes in a family you may find brother or sister who are called twins. और आपने सुना होगा आपके आपके घर में या किसी फैमिली में आपने जैसे कि कोई भाई बहन जो कि क्या हो, twins हो। Twins का मतलब होता है जुड़वा, और जुड़वा किन्हें कहते हैं, twins are two children born to the same mother almost at the same time. यानी कि twins का मतलब है उन दो बच्चों का एक साथ पैदा होना एक ही समय पर और एक ही माँ से। जब दो बच्चे एक ही मदर से एक ही समय पर एक साथ जन्म लें उन्हें हम बुलाते हैं ट्विंस। तो ट्विंस या तो बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, और जो ट्विंस हु लुक जस्ट लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। और जो ट्विंस जो जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। नाउ ये आपकी एक टेबल दे रखी है लेटेस्ट डू। लेटेस्ट डू में आपको क्या करना है, आपको ये आई हेयर नोज कलर ऑफ द स्किन ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि आपके किससे मिलते हैं। जैसे कि आईज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल आपकी आईज़ आपकी
मदर जैसी है तो आप किस पे टिक कर दोगे? इधर। आपके हेयर अगर आपके फादर जैसे हैं तो आप इधर टिक कर सकते हैं। नोज़ अगर आपकी ग्रैंडफादर जैसी दिखती है तो आप उस पर करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल करना है और अपनी नोटबुक में करना है। अब टाइम टू आंसर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चन दे रखे। पहला क्वेश्चन है, आप बॉडी फीचर्स दैट आर सिमिलर टू अदर फैमिली मेम्बर्स। तो हमारे ऐसे बॉडी फीचर्स जो कि अदर फैमिली मेम्बर्स से मिलते जुलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी फीचर्स। टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर अराउंड द सेम टाइम। वो दो बच्चे जो एक ही समय पर एक ही माँ से जिन्होंने जन्म लिया है वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा था, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ट्विंस। तो होमवर्क में ये दोनों आप टेबल करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर फिलअप्स, और ये टेबल आप बनाएंगे और फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग और इस टॉपिक को रीड करेंगे।